हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एसेट की सीरीज चली हुई है और आज जो क्लास रहने वाली वो मैथ सेक्शन की रहेगी। जनरल सेक्शन का मैथ्स हम यहाँ पर कर रहे हैं, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है पीआरटी, टीजीडी और पीजीडी सभी के लिए। मैं आपको बार बार यही बोलती हूँ, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको कंटेंट भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैं आपको बनवा रही हूँ उनको ही करने की जरूरत है, बिकॉज आप देख रहे हो। और आज की क्लास में भी आपको क्वेश्चंस जो है सेम चीज के देखने को मिलेंगे, जो कि पीआरटी में भी पूछे जा रहे हैं और टीजीडी और पीजीडी सभी में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो उसको जरूर लाइक करिएगा, शेयर करना सभी के साथ। क्वेश्चन नंबर वन है, ये पीजीडी का रहेगा भाई 2021 का, बिकॉज पीआरटी और टीजीडी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आपने वो वीडियो देख ली है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर वन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वन कहता है, देखो ये वाला जो फॉर्म है वो मैंने आपको जब नोट्स प्रोवाइड किया नंबर सिस्टम है तो मैंने आपको बता दिया, ये सारी चीजें नोट्स में भी बता दी है। बट ऐसा क्वेश्चन आपको 2022 का जब हमने पेपर सॉल्व किया था, मुझे ध्यान नहीं है वो पीआरटी था टीजी था कौन सा था, लेकिन उसमें भी एक क्वेश्चन आया था, शायद पीआरटी में आया था, और देखो पीजीडी में भी आया हुआ है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि सभी के लिए इक्वल इंपॉर्टेंट, ऐसा मत मान के चलना कि पीजीडी का सोल्व करा रही तो पीआरटी वाले नहीं देखेंगे, सभी का ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो चीज़ है ना, इनको अगर आप नोट्स नहीं ले रहे हो ना तो आप ना कुछ पेजेस को जो है डिसाइड कर लो, कुछ पेज को ऐसा बना लो कि इन पेज में मैं इतना जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो लिखूंगा या लिखूंगी, और उनको आप एग्जाम से एक दिन पहले ज़रूर पढ़ के जाएंगे। तो इस चीज़ को भी आप अपने इन पेजेस में ज़रूर ऐड कर लेना। ठीक है, चलो 3, 4, 6, 7 इसको जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने जितनी भी डिजिट दी हुई है उनको लिख लेना है, 3, 4, 6, 7। अब आप करेंगे माइनस, माइनस करेंगे, बार का मतलब होता है कि रिपीटेशन में है ये सारी चीजें, यानी कि 3, 4 के बाद 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7 ऐसे रिपीट पे है, और रिपीट को कम करने के लिए हम क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं। ऐसे यहां पर है 13, 3, 3 के बाद रिपीटेशन पे आपके 33 जो है रिपीटेशन पे है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप सारी डिजिट लिख लेंगे, उसके बाद आप जिन नंबर पर बार नहीं है उसको आप माइनस करेंगे, जैसे 34 पर बार नहीं है माइनस करेंगे। डिवाइड में जितने अंकों पर बार दिया है उतने आप 9 लिखेंगे और जितने अंकों पर बार नहीं है उतने आप 0 लिखेंगे। इतना यहां से समझ में आया। इसको भी सेम चीज से कर लेंगे, 13, 3, 3 माइनस 13 पे बार नहीं है तो 13 लिखेंगे, डिवाइड बाई 2 अंकों पर आपका बार है तो 2 बार 9 लिखेंगे और जितने पर बार नहीं है उतनी बार आप 0 लिखेंगे। तो आपका जो नीचे वाला पोर्शन है वो सेम है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। 7 में से 4 गया 3 आता है, ये 3 हो गया, 3, 4, 3, 3 बाई 9, 9, 0 प्लस, और इसमें से जब आप ये घटाएंगे तो ये 13, 20 बाई 9, 9, 0 आता है। अब आप सीधे तौर पर एलसीएम ले लेंगे जो कि सेम ही आ जाएगा आपका, इन दोनों को आपने कर देना है प्लस, 3 और 0, 3 होता है, 3 और 2, 5 हो गया, 4, 3, 7 हो जाता है, और 4, 7, 5, 3 को जब आप इसे डिवाइड करके अब आपने अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाना है। ठीक है, और जब आप ऑप्शन देखोगे, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, जब आप ऑप्शन देखेंगे तो उसमें आपको बार भी लिखा हुआ मिल रहा है, तो आपको क्वेश्चन को इसको कंप्लीट डिवाइड करना है और कोशिश करनी है कि क्या इस पे बार तो नहीं आ रहा है, तो आप वहां तक इस चीज को लेकर के जाएंगे। लिखना है 4, 7, 5, 3, 9, 9, 0, 0। देखो ये छोटा ये बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है भाई पॉइंट में चली जाएगी चीजें। ठीक है, पॉइंट में चली जाएगी तो आप क्या करेंगे, फिर आप यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे। ठीक है, अब देखो कितने पर जाएगा, कितने पर जाएगा भाई, 4 पर जाता है, 4, 0, 0, 4, 9 कितना होता है भाई, 36, 3, 4, 9, 36 और 3, 9 0, 3, 9 आ गया, और ये 7, 9, 3, 0 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आपका फिर से जो है इस पे एक जीरो उतर जाएगी। ठीक है, अब ये कितने पे जाता है, ये जाता है 8 पे जाता है, 8, 0 और 8, 9 जा 72, 7 जाएगा और 8, 9, 72 79 चला जाएगा, 100 आ गया। ठीक है, 100 आ गया। अब जब आप एक जीरो और करते हैं तो फिर ये नहीं जाता है, फिर भी नहीं जाता, नहीं जाएगा तो कितने पे आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा। ठीक है, अब इस पे आप जब आप 4, 1, 0 लगाएंगे तो कितने पे जाता है, 1 पे जाता है, ये भाई डिवाइड तो करना आता होगा ना सबको। ठीक है, फिर से आ गया, देखो फिर सेम पैटर्न आ गया, फिर 1, 0 लगाएंगे तो फिर 1, 0 चला जाएगा, फिर 1, 0 लगाएंगे तो 1 पे चला जाएगा, और ये आपका ऐसे जो है रिपीट पर होता चला जाएगा, यानी कि 0101 आपका क्या है, रिपीट पे आ रहा है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 0.4801 बार।
ठीक है, क्योंकि आपका ये कैसे है, अगर खोल के दिखाऊं तो 4801010101 एंड सो ऑन, आपका ऐसे ये चलता ही जाएगा। तो इसको हम आगे नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे 0.41 और 4801 और 01 पर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो आपको ऑप्शन में जहां पर भी ये वाला आंसर दिखाई दे रहा है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आपने ध्यान से बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेंसुरेशन से है, ज्यामिति से है, क्षेत्रमिति जिसको आप बोलते हो। ये क्वेश्चन हो सकता है आपको कंफ्यूज कर दे, बट ये क्वेश्चन बहुत इजी है, क्योंकि आपको इसमें बस समझना है चीजों को, और वो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ स्क्वायर। बात सिर्फ इतनी है कि एक स्क्वायर है और स्क्वायर की जो तो सारे साइड होते हैं वो बराबर होती है। एक सर्कल इसके अंदर है जिसको इन सर्कल बोलते हैं, अंतर्वृत्त बोलते हैं, ठीक है, अंतःवृत्त बोलते हैं, जो कि इसके अंदर है एक सर्कल। और जो सर्कम सर्कल की बात करी जा रही है, एक सर्कल इसके क्या है, आउटसाइड है, इस स्क्वायर के आउटसाइड है। तो हमें जो है रेशियो बताना है इस अंदर वाले सर्कल के एरिया डिवाइड बाई और इस बाहर वाले सर्कल के एरिया के, ये आपको निकालना है। तो मैं आपको पहले तो अच्छे से बना, इस जो ये फिगर मैंने आपको बनाई, मैं दो हिस्सों में आपको बता रही हूँ इस फिगर को, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। ये हमने बनाया है एक सर्कल, थोड़ा बड़ा ही बना देते हैं, ये एक सर्कल बनाया है, सॉरी स्क्वायर है, ये सर्कल नहीं है, ये एक स्क्वायर बनाया। अब सबसे पहले चल पड़ते हैं अपने इन इन सर्कल की तरफ। इन सर्कल मतलब स्क्वायर के अंदर है ये सर्कल, ठीक है। तो एक सर्कल मैं अंदर बना दूंगी जो कि चारों साइड से टच करते हुए बनेगा, ठीक है। ये सर्कल मान लो, इसको वैसे है नहीं सर्कल, बट आप एज्यूम कर लो कि ये क्या है, सर्कल है। और स्क्वायर के सारी साइड बराबर होती है, तो आप या तो इसको एक्स मान लो या फिर इसको ए मान लो, जो जो मर्जी आप मानना चाहते हो वो मान लो, ठीक है। तो ये भी एक्स हो जाएगा, सारी साइड बराबर होती है, ये भी एक्स हो जाएगा। अब आउट सर्कल यानी कि जो सर्कम सर्कल, इसको बाद में देखेंगे, पहले इसका ही एरिया निकाल लेते हैं। देखो ये पूरी जो साइड है वो बराबर होती है, अगर मैं इसके इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक एक लाइन खींचूं तो ये डायमीटर हो गया इस सर्कल का, और साथ ही ये इसकी साइड भी तो हो गई, बिकॉज इस लाइन से टच में है, तो ये पूरा एक्स हो गया। और मुझे जब एरिया निकालना होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, किसी भी वृत्त का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहां पर मुझे रेडियस चाहिए, जबकि मेरे पास डायमीटर है जो कि एक्स है, तो रेडियस क्या आ जाएगा, एक्स बाई टू आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो एरिया है इन सर्कल, मैं यहां पर इन सर्कल लिख देती हूँ, एरिया ऑफ इन सर्कल, जो अंतर्वृत्त है उसका एरिया क्या आ जाएगा, पाई इंटू एक्स स्क्वायर बाई फोर। इतना यहां से समझ में आया, मेरा एक एरिया आ गया इन सर्कल का। अब मैं बात करती हूँ आउटर सर्कल की, तो आउटर सर्कल के लिए मैं फिर से ये डायग्राम आपका यहीं पे बना देती हूँ, आपको समझाने के लिए मैं अलग अलग चीजें बना रही हूँ, ठीक है। एक डायग्राम, एक सर्कल मैं यहाँ इसके एंड पे बनाती हूँ, जो इसकी सारी कॉर्नर को टच करते हुए बनेगा, ठीक है। ये है मेरा सर्कम सर्कल। अब देखो मुझे पता है कि जो मेरी साइड है वो सारी क्या है, एक्स है, किसकी, स्क्वायर की, ठीक है। अगर आप यहां पे इसको देखते हो तो ये जो है डायमीटर है किसका, इस सर्कल का डायमीटर हो गया। इस सर्कल के डायमीटर के साथ साथ ये इस स्क्वायर का डायगोनल भी है, क्या है, डायगोनल। जो कोने से लाइन जाती है वो क्या कहलाती है, वो डायगोनल कहलाती है। तो वो क्या है, इसका डायगोनल भी है। और हमेशा आपको पता भी होगा जो स्क्वायर होते हैं उसके जो सारे कॉर्नर्स होते हैं, सारे एंगल होते हैं, वो कितने डिग्री के होते हैं, वो 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। ये सबको पता है, अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो आप यहाँ पर कौन सा थ्योरम लगा देंगे, हाइपोथगोरस थ्योरम आप यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये भी एक्स है और ये भी मेरा एक्स है, मुझे पता है, क्योंकि ये भी स्क्वायर की साइड है और ये भी स्क्वायर की साइड है। तो मैं ये डायगनल यहाँ से निकाल लूंगी, अगर ये डायगनल मेरा निकल जाएगा, लेट से ये ए बी है और ये सी है, अगर मेरा ए बी निकल जाएगा, डायगनल निकल जाएगा, तो वही मेरा डायमीटर हो जाएगा स्क्वायर का, सॉरी इसका सर्कल का, ठीक है। तो यहां से आप, या तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, भाई डायगोनल क्या होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अंडर रूट टू, और जो साइड है अंडर रूट टू इंटू साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और ये आती कैसे है वो मैं यहां से बता देती हूँ। हाइपोथगोरस थ्योरम कहती है कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर, यानी कि जो ये जो आपकी जो आपकी साइड है वो किसका स्क्वायर होती है, इसका स्क्वायर नीचे वाली जो बेस होता है, और जो परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो गया ना और ये आपका बेस हो गया,
ठीक है, इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। तो बी सी मेरे पास एक्स है एक्स स्क्वायर, और सी ए भी मेरे पास एक्स है एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये साइड है और साइड दोनों बराबर होती है। तो 2x का स्क्वायर आ गया और ए बी का स्क्वायर है। ए बी जब निकालूंगी तो अंडर रूट टू, ठीक है, वही निकल के आई है यहाँ पर, अंडर रूट टू इंटू साइड, और यहाँ पर साइड का नाम मैंने एक्स मान रखा है, तो फिर मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, एक्स लिख दूंगी। ठीक है, मैंने आपको बता भी दिया कि ये कैसे निकलता है, बाकी अगर आपको ये ध्यान में रहता है तो आप डायरेक्टली भी इस चीज को कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी आपका विद इन मिनट्स बनने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। मेरे पास डायगनल आ गया अंडर रूट टू एक्स, मतलब मेरे पास क्या आ गया, डायमीटर आ गया, आपका जो बाहर वाला सर्कल है ना उसका डायमीटर आ गया अंडर रूट टू एक्स, तो इसका रेडियस क्या आ जाएगा, अंडर रूट टू एक्स बाई टू। ठीक है, तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कम सर्कल, ये जो बहिर्वृत्त है इसका एरिया क्या आ जाएगा, पाई, और आर का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट टू एक्स बाई टू का स्क्वायर। तो एक एरिया मेरा ये रहा और एक एरिया मेरा ये रहा। ठीक है, तो यहां से मैं क्या निकाल लूंगी, यहां पर रख देती हूँ अंदर की तरफ, दोनों को डिवाइड करना है आपने, और बस आपने काट पीट के इसका आंसर निकालना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, चलो, एरिया का जो एरिया ऑफ इन सर्कल और सर्कम सर्कल इज इक्वल टू कितना, इन सर्कल कितना है, पाई है भाई, पाई से पाई कट जाएगा, मैं इसको नहीं लिख रही हूं, एक्स स्क्वायर बाई फोर है ये, और ये अंडर रूट टू एक्स का स्क्वायर और डिवाइड बाई टू है। ठीक है, तो जब मैं इसको खोल के लिखूंगी तो कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर बाई फोर, ये ऊपर चला जाएगा, ये भी फोर में हो जाएगा क्योंकि टू का स्क्वायर ही तो था ये, ये फोर में चला जाएगा, और जब मैं इसको खोलूंगी तो ये अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो इंटू टू आ जाएगा और एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स से एक्स कट गया, फोर से फोर कट गया, और कितना आ जाएगा, वन बाई टू, यानी कि रेशियो मेरा कितना आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा वन रेशियो टू, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो थोड़ा लेंदी मेरे से हो गया क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर समझाया, आप फटाफट से अपना डायग्राम बनाएंगे और फटाफट से आप सारी चीज़ों को समझ के इन क्वेश्चन को आराम से बना सकते हो। तो ये था आपका सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, रिपीट पे अगर देखना हो तो थोड़ा पॉज करके देख लेना, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगी आपको किसी शॉर्ट के माध्यम से या फिर किसी वीडियो के थ्रू आपको ये चीज़ें बता दूंगी। ठीक है, वैसे तो ईजी है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है HCF निकालना है, और HCF के बारे में भी हमें पता है हम वो कैसे निकालना है। ठीक है, यहाँ पर जो HCF पूछा गया है वो किसका पूछा गया है, 11 का, 11 और ये दशमलव में है तो इससे घबराना नहीं है। सबसे पहले इनको आप फ्रैक्शन में खोल लो, ठीक है, आप इनका फ्रैक्शन बना दो। तो 11 का तो भाई क्या ही बनाओगे, ऐसे बना लो, इनका कैसे बन जाएगा, 100 बन जाएगा, इसका भी 100 बन जाएगा, और इसका क्या बन जाएगा, 1000 बन जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है अगर मुझे HCF निकालना होता है तो HCF के लिए मैं क्या करती हूँ, हमेशा जो ऊपर है आपका अंश जो है, HCF निकालने के लिए जो अंश है आपका, जो आपका न्यूमिनेटर है उसका मैं HCF निकालती हूँ, और नीचे जो डिनोमिनेटर में है उनका मैं LCF निकालती हूँ, अगर मुझे इस पूरी फ्रैक्शन का HCF निकालना है तो। और अगर मुझे इसका LCM निकालना होता है तो मैं ऊपर वाली फ्रैक्शन का LCM और नीचे वाले का क्या निकालती हूँ, HCF निकालती हूँ। ठीक है, तो इसका मैं निकालूंगी HCF, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो इसमें जो आपका HCF है वो सीधे तौर पर 11 निकल के आता है, और जब LCM की बात आती है तो आपका क्या निकल के आता है, 1000 निकल के आता है, और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको HCF LCM निकालना आता है। चलो मैं बता ही देती हूँ, यहाँ पे HCF का सीधे तौर पर आप एक फंडा आराम से समझ लो कि HCF जब भी निकालते तो आपको हाईएस्ट एक फैक्टर निकालना होता है जो सभी को डिवाइड कर जाए। ठीक है, तो उसमें वो 11 है, वो हाईएस्ट है। LCM में सीधे तौर पर मैंने आपको एक बताया हुआ है, बैग मेथड ले लो एक, तो उसमें जो सबसे बड़ा है वो लिख लो, 1000 है सबसे बड़ा, और 10 × 10 × 10। ठीक है, अब ये भी कितने से, 10 × 10 है, और ये भी कितना होता है, 10 × 10 है, और 10 × 10 ऑलरेडी है इसमें, ऑलरेडी है इसमें, ये तो 1 है, इसको तो छोड़ ही दो, तो LCM क्या आ जाएगा, 1000 ही आ जाता है। तो 0.011 आपका HCF आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये चीजें बस आपको ध्यान में रखनी है, अपनी जो मैथ्स की जो प्रोसेसिंग है उसको आप माइंड में करने की कोशिश किया करो, तब आपके सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आई गेस कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रेन्स, अब ये ट्रेन वाला जो क्वेश्चन है वो पिछली क्लास में भी आया था, और आई थिंक उससे उस पिछली क्लास में भी आया था, तो इसमें आपको बस कुछ नहीं करना है, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें भी। दो ट्रेन है, एक 132 मीटर की है और एक 108 मीटर की है, जो कि रनिंग है ऑपोजिट डायरेक्शन में। आपको डायरेक्शन का ध्यान में रखना, अगर ऑपोजिट हो तो आपको क्या करना है, और अगर आपका जो ट्रेन है वो सेम डायरेक्शन में अगर रनिंग कर रही है तो आपको क्या करना है। तो हमेशा ध्यान में रखना, जब भी डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब कि एक दूसरे की तरफ, एक ट्रेन यहाँ पे तो दूसरी ट्रेन यहाँ आ रही है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो हमेशा जो आपकी स्पीड होती है उनको आपने करना है प्लस,
जोड़ देना है, आपकी जो गति है ट्रेन की उसको जोड़ देना है। और अगर आपके डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, यानी कि अगर एक इस डायरेक्शन में है तो दूसरे भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो फिर आपने अपनी स्पीड को क्या कर देना है, दोनों की स्पीड को माइनस कर देना है। बस ये चीजें ध्यान में रखना, ठीक है? अगर आपको ये चीजें पता है तो फिर इस क्वेश्चन में कोई भी समस्या नहीं है। साथ ही मैंने हमेशा आपको कहा है कि आप ना ये जो यूनिट है इसको आप सेम रखा करो। देखो 132 मीटर में बात कर रहे हैं, जबकि यहां पर स्पीड कह रहा है 32 किलोमीटर पर आर, यानी कि एक घंटे में 32 किलोमीटर की स्पीड से ये ट्रेन चल रही है। तो आप इसको मीटर पर सेकंड में बनाएंगे, अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे। और अगर आप ऑप्शन देख रहे हो तो उसमें आपका जो आंसर है वो सेकेंड्स में दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि आपने इसको करना है चेंज, ठीक है? मीटर पर सेकेंड में लेकर के आएंगे इस चीज को। चलो अब इस चीज को बना लेते हैं। तो आप अपने सबसे पहले तो दोनों जो ट्रेन है इनकी जो लेंथ है उनको जोड़ लो, दोनों ट्रेन की क्या लेंथ को जोड़ो पहले। तो 132 प्लस 108 कितना हो जाता है, 241, 8 और 2 10, हाँ 241। और स्पीड भी आपकी प्लस हो जाएगी क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो 32 प्लस 40 कितना हो जाता है, 72। लेकिन किलोमीटर पर आर में है, और हमेशा मैंने आपको बताया किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए आप इसको 5/18 से करेंगे तो फिर आपकी मीटर पर सेकंड आ जाता है, ठीक है? अब टाइम निकालने का सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है कि स्पीड क्या होती है, आपका डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो टाइम ऊपर चला जाएगा तो डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस कितना है, 241 जो कि आपका ऑलरेडी मीटर में है, और ये आपका 72 इंटू 5 और 18 चला जाएगा ऊपर, यहां से आपका निकल जाएगा, ठीक है? चलो निकालो ऐसे, कितने पे जाएगा, 29 जा 36, 9 4 4 पे जाएगा ये, और उसके एक सेकेंड 240 है भाई, ये 240 अब कटेगा, ये कितने पे गया था, 29 जा और 36, 9 4 60 और 512 कितना आ जाएगा, 12 सेकेंड, ठीक है? 12 सेकंड में ये दोनों ट्रेन क्या करेगी, एक दूसरे को क्रॉस कर लेगी। तो आपने बस अपना कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, और जो चीजें मैंने आपको बताई, अगर ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही है तो स्पीड को कर देना है प्लस, और अगर ट्रेन सेम डायरेक्शन में रन कर रही है तो फिर स्पीड को कर देना है माइनस, ठीक है? इतनी सी चीजें ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इस पेपर में पीजीटी का जो आपका ये पेपर हुआ था इसमें आपसे मैथ के 10 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, जबकि आपका जो टीजीटी और पीआरटी का हुआ था उसमें मैथ के 11-11 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। अब ये क्वेश्चन भी आपका सेम है आया हुआ है, कह रहा है कि 7 कारपेंटर है, 7 बढ़ई है जो कि 7 कुर्सियां बनाते हैं 8 घंटे में। भाई 7 ही लोग हैं, ठीक है? आप इसको मैन पावर समझिए, 7 आदमी हैं, और 7 ये चेयर बनाने का मतलब क्या है, वर्क है। और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है, M1 into D1 into H1 divide by W1 is equal to M2 into D2 into H2 divide by W2। यानी कि ये M1 आदमी है, ये कितने दिन लेते हैं और कितने घंटे लेते हैं किसी भी एक वर्क को करने में, ठीक है? तो W1 इसके नीचे आएगा, हमेशा ध्यान में रखना। और ये M2 है जो कि आपसे अपोजिट में पूछा जाता है, M2 into D2, इनके द्वारा लिया गए दिन और इनके द्वारा लिए गए घंटे और इन्होंने कितना काम किया, तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। देखो M1 मतलब 7 आदमी हैं, ठीक है? अब इन्होंने दिन की तो बात ही नहीं कही, ये बोल रहे हैं 7 चेयर बनाते हैं, और 7 चेयर मतलब 7 इन्होंने काम किया है, ठीक है? और इन्होंने कितने घंटे लिए हैं, 8 घंटे लिए हैं, दिनों की बात नहीं करी तो हम नहीं जाएंगे दिनों तक। हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक, अब यहां पर इन्होंने घंटे पूछे हैं और आदमी बता दिए कितने हैं, 70, और काम भी कितना किया है, 70 चेयर का किया है। तो देखो भाई सीधे तौर पर ये कट जाता है तो आपका H2 कितना आ जाएगा, 8, यानी कि कितने घंटे लेंगे, 8 आवर्स। वैसे भी आप सीधे तौर पर इस क्वेश्चन को बिना ऐसे भी करे कर सकते हो, 7 ही लोग हैं, 7 चेयर बनाते हैं 8 घंटे में। तो देखो यहां पर भी तो सेम ही चीजें हैं, 7 इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 70 कारपेंटर हो गए और काम भी 70 हो गया, तो टाइम तो सेम ही लगाएंगे ना, 8 घंटे ही तो टाइम लगाएंगे। तो आप अपनी थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, बट मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है ताकि आपको ध्यान में रहे, ठीक है? तो ये 5 क्वेश्चन हमने करे हैं, फटाफट से अपने नेक्स्ट 5 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज बाय 20%, यानी कि इसमें आपको परसेंटेज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, प्रतिशत का ये सवाल है कि कोई भी एक आइटम है, ठीक है, कोई भी एक वस्तु है जिसके प्राइस में, उसके अमाउंट में 20% का इजाफा हो गया है।
फाइंड द रिडक्शन इन द कंजप्शन ऑफ आइटम बाय अ कंज्यूमर सो दैट देयर इज नो इंक्रीज। मैं इस क्वेश्चन को आपको बहुत आसान भाषा में समझाती हूँ। कह रहा कि कोई एक ऐसी वस्तु है जो पहले कुछ अलग दाम में आती थी, मान लो वो 100 रुपए में आती थी, अब उसके दाम में 20 रुपए की और बढ़ोतरी होगी। भाई 20% 100 का कितना होता है, 20 ही तो होता है, तो मान लो कि वो 120 रुपए की हो गई है। तो अब चूंकि उसका प्राइस जो है बढ़ चुका है, तो जो इस्तेमाल करने वाला है उसको अपने खपत में कितनी कम करनी चाहिए, कितना परसेंट की उसको वृद्धि सॉरी डिक्रीमेंट करनी चाहिए, ताकि उसके जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर मतलब उसका जो खर्चा हो रहा है वो आपका बढ़े ना। मान लो चीनी है, ठीक है, चीनी मैं पहले कुछ अलग रेट में लेती थी, अब उस चीनी का प्राइस बढ़ गया है, तो मैं ऐसा कितना उसकी जो खपत है, कंजप्शन मतलब खपत, कि मैं उस चीनी का इस्तेमाल कितना कम कर दूं कि मेरा जो खर्चे है उसके अंदर वो एडिशन एडिशन ना हो, मतलब वो ज्यादा बढ़े ना मेरे खर्चे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब देखो, मान लो कि इस आइटम का जो इनिशियल अमाउंट है वो कितना है, 100% है, मैंने 100% मान लिया, 20% की हो गई है बढ़ोतरी अभी इसमें, तो अभी ये कितना हो गया, 120% हो गया। इसको खोल लो, 120% को डिवाइड बाई 100, ये 6/5 आ गया, ठीक है, मैंने इसको फ्रैक्शन में निकाल लिया। इसी से आपका सवाल बन जाएगा, आपको कुछ भी मानने की कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, विद इन सेकंड्स का ये क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस पहले मानो कि हम हमेशा मानते हैं ऐसे कि लेट से कि इनिशियल वैल्यू कितनी है, 100% है, तो पहले मान लो कि इसकी कीमत 100 थी, मैंने 20 इसमें जोड़ दिए, 120 हो गया, खोल लिया मैंने 120% को, 6/5 आ गया, यानी कि पहले ये आती थी 5 रुपए में और अब ये कितने में आ रही है, अभी आ रही है 6 रुपए में, तो कितना बढ़ोतरी हुई, कितने यूनिट की, 1 यूनिट की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, कितनी, तो बढ़े हुए को लिख लो ऊपर, जो बढ़ा हुआ है, ठीक है, उस बढ़े हुए को लिख लो ऊपर, और जिस बढ़ने के बाद जितनी हो गई ना उसको हमेशा नीचे लिख लो और 100 से कर दो मल्टीप्लाई, और इसको काट के आपका सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 2 3 जा 2 5 0, तो 50/3, और जब आप इसको निकालेंगे तो 16 राइट 2/3%, क्योंकि परसेंटेज में आपको ऑप्शन में दिया गया है, तो 16 सही 2/3, इसको बोला था मिक्स फ्रैक्शन में है ये, तो 16 राइट 2/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ इतना करना है कि आपने पहले इंक्रीज करना है, इसको 120 कर दिया, खोलो इसको, 6/5 आ गया, इनिशियल जो अमाउंट था वो 5 यूनिट मान लो, बाद में हो गया 6, बढ़ा कितना है, 1 यूनिट बढ़ा है, उस बढ़े हुए को ऊपर लिखो और जो आपका बढ़ा हुआ है ना उसको लिखो नीचे, ठीक है, अब के बार आपको 5 को नहीं बढ़े हुए को लिखना है, क्योंकि मुझे रिडक्शन करना है कि मैं कितना कम करूं, किसमें, इस बढ़े हुए में मैं कितना कम करूं, ठीक है, तो 6 और डिवाइड बाय सॉरी मल्टीप्लाई 100, सीधे तौर पर आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को भी मैंने आपको बोला है ना कि आप कुछ पेजेस ऐसे बना लो जिनको आप एग्जाम से एक दिन पहले जरूर रिवाइज करेंगे, इस क्वेश्चन को भी आप वहां पर लिख लेना, ठीक है, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो ये 7वां क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, जब हमने 2022 का किया था, आई थिंक पता नहीं पीआरटी था या टीजीटी था या पीजीटी था, कौन सा था, इसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था और अब मैं उसी फॉर्मूला से बनाने वाली हूँ इस क्वेश्चन को। अगर आप फॉर्मूला याद नहीं है तो भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो, बट वो थोड़ा सा टाइम ले सकता है और अगर थोड़ा सा भी आपका जो प्रोसेसिंग है इधर उधर हो गई तो फिर वो गलत भी हो जाएगा। बट फॉर्मूला से अगर मैं चलूँ तो मैंने आपको बताया था कि भाई किसका है, स्क्वायर रूट है ना ये, स्क्वायर रूट मतलब कितना है, तो 2 लिखो हमेशा, ठीक है, क्या लिखेंगे, 2, क्योंकि इन्होंने 2 की बात करी, कितनी बार है, 5 times इन्होंने अंडर रूट 2 किया है, तो यहां पर इसकी पावर में जाऊंगी अब मैं, अब यहां पर 0 से स्टार्ट करनी है और कितनी बार है, 5 बार, तो मैं 5 बार ऐसे लिखूंगी और 0 से स्टार्ट कर, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, 5 times ही जाऊंगी क्योंकि 5 बार लिखा है, और नीचे मैं 2 की पावर और कितनी बार लिखे हैं, 1 2 3 4 5, ये लो, ये सीधे तौर पर मैंने आपको एक बताया था फॉर्मूला, आपको ये याद होगा, नहीं याद है तो इसको जरूर याद कर लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन फिर आपको फंसा देते हैं और एक नंबर भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, और ये सारी चीजें 2 की पावर में है, तो अब निकाल लो यहां से, कैसे निकालोगे, 2 की पावर किसी भी की पावर 0 हमेशा 1 होती है, 2 आ गया और ये 4 आ गया, ये 8 आ गया और ये 16 आ गया, और 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 की पावर 5 होता है 2 × 4 × 8 × 16 × 32, ठीक है, ये कितना आ गया, 2 × 3 4 × 3 7 7 × 8 15 × 6 31, 31/32 और आंसर 2 की पावर 31/32। अदरवाइज फिर आप इसको कैसे करेंगे, ऐसे भी कर सकते हो आप, भैया यहाँ पर मान लो, जैसे मान लो मैं 2 का करके दिखा देती हूँ, 3 का करके दिखा दे, ऐसे आप आगे भी कर, लेकिन उसमें ना टाइम लग जाता है, जैसे मैं फिर इसको कैसे करूंगी, ऐसे करूंगी भाई 2 × 2 की पावर 1/2, फिर जब मैं इसको खोलूंगी तो इसकी पावर 1 है, इन दोनों को आपस में प्लस करूंगी, प्लस करने के बाद ये कितना आ जाएगा, 3/2, अब मैं फिर से इसके पावर खोलूंगी तो 1/2 यहां चला जाएगा और ये हट जाएगा, ये अब मल्टीप्लाई में हो गया है,
2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 3 और 4। अब जब मैं इसको जोड़ूंगी तो एलसीएम लूंगी अंडर रूट 2 और 7/4, और फिर जब मैं इसको इंटू करूंगी तो 1/2 चला जाएगा 2 की पावर 7/8। ये मैंने सिर्फ 3 का बताया है, ठीक है। आपको ऐसे ही 2 और प्रोसेसिंग में करनी पड़ेगी, तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है और साथ ही आपके जो गलत होने की जो पॉसिबिलिटी वो बढ़ जाती है। तो आप इस फॉर्मूले को जरूर याद में रख लो, ठीक है। क्यूब हो तो आप क्यूब की तरफ चल लो, 4 टाइम है तो आप 4 टाइम चल लो। तो ये मैंने सारी चीज़ें आपको पिछली वीडियोज़ में बताई है, तो आप सीक्वेंस में सीरीज में इन सारी वीडियोज़ को देखना, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आप देखो, अब ये विद इन मिनट्स का क्वेश्चन था, और ये सारा जो टाइम है आपको कहाँ पर हेल्प करेगा अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से बनाते हो, तो ये सारा टाइम आपके सब्जेक्ट पार्ट को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ठीक है। बिकॉज आप टाइम यहीं पर ही सेव कर सकते हो, सब्जेक्ट पार्ट में फिर दिक्कत हो जाती है। 8th क्वेश्चन देखो, ए सम ऑफ ₹10,000 डिपॉजिटेड, एक अमाउंट है ₹10,000 का अमाउंट है, इसको डिपॉजिट किया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट में। ध्यान में रखना ये SI नहीं है, CI है। किसी ने मुझसे पूछा कमेंट करके कि मैम कैसे पता चलेगा CI है या SI है, तो क्वेश्चन में आपको लिखा रहता है भाई, डायरेक्टली लिखा रहता है कि आप SI में डिपॉजिट कर रहे हो या फिर CI में डिपॉजिट कर रहे हो, और CI के अंदर आपका प्रिंसिपल एवरी ईयर चेंज होता है। मैं आपको बार बार बोलती हूँ, आज मेरा कुछ है, अब जब मैं इंटरेस्ट लगाऊंगी तो नेक्स्ट टाइम मेरा वो इंटरेस्ट के साथ बढ़ा हुआ अमाउंट मेरा क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा, जबकि SI में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। उन्होंने CI बोला है ₹10,000 मैं डिपॉजिट कर रही हूं, अब कह रहा है कि ये जो ₹10,000 है जब मैं CI में डिपॉजिट कर रही हूं तो वो डबल हो जाते हैं 5 साल के बाद। 10,000 से कितने हो जाएंगे, 20,000 हो गए, कितने साल के बाद, 5 साल के बाद। अब कह रहा है कि 20 साल के बाद ये अमाउंट कितना हो जाएगा। अब मुझसे डायरेक्टली इन्होंने ये चीज पूछ ली कि भाई अगर 5 साल में ये डबल हो रहा है तो 20 साल में बताओ कितना हो जाएगा। तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1+R/100 की पावर T, ये मेरा टाइम होता है, ठीक है। इन्होंने मुझसे कहा कि 5 साल में अमाउंट जो है वो डबल हो रहा है, किससे, प्रिंसिपल से, तो मैं यहां पर लिखूंगी 2P, क्योंकि तो डबल बोला है ना इन्होंने, भाई ये प्रिंसिपल है मेरा, तो इन्होंने बोला डबल। पी से पी तो आप वैसे ही काट दो, ठीक है, पी से पी आप वैसे ही काट दो, इसको हटा दो, तो ये हो गया 2 और 1+R। अब इसने मुझे कहा है कि 20 साल के बाद अमाउंट कैसे हो जाएगा, इस टाइम को आप कैसे भी करके 20 में कन्वर्ट कर दो। तो अगर मैं यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूं तो ये 20 हो जाएगा, लेकिन साथ में मुझे यहां पर भी तो 4 से करना पड़ेगा ना, इसकी पावर में देना पड़ेगा, वो ऑलरेडी पावर में, इसलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, इसमें पावर में 1 है इसलिए मैं डायरेक्टली इसमें 4 लगाऊंगी। तो अब 2 की पावर 4 कितना आता है, 16 आता है, और ये आ जाएगा 1/R की पावर 100, ये रेट मुझे निकालना ही नहीं है, ये हो गया 20। यानी कि 5 साल में अगर अमाउंट डबल था तो 20 ईयर में अमाउंट कितना हो जाएगा, 16 टाइम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 टाइम, क्योंकि ये भी 2 टाइम था, तो ये भी कितना हो जाएगा, 16 टाइम, और किसके 16 टाइम, प्रिंसिपल के। तो 16 इंटू प्रिंसिपल था 10,000, तो ये कितना आ जाएगा, 1,60,000, कितना आ जाएगा, 1,60,000 आपका जिस ऑप्शन में दिया है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बस लॉजिकली सारी चीजें आपने करनी है, फॉर्मूले में पुट करो, कैसे भी करके इस चीज को इक्वल लेकर के आओ, और फिर आपका ये आंसर निकल जाता है। बस ये प्रैक्टिस पर बात है सारी, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आप इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हो। फिर नेक्स्ट है आपका, फिर से SP और CP का क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक है, मतलब ए है, कोई बंदा है ए, उसने एक घड़ी बेची है बी को, और कितने गेन पर, 10% के गेन पर, ये ए हो गया, ये बी है और ये सी है। लेट से कि ए ने 100% में वो खरीदी थी, ठीक है, 100 रुपीज में वो खरीदी थी, लेट से ए ने, इसने बेच दिया बी को कितने में, 10% प्रॉफिट पर बेच दिया, तो बी ने कितने में खरीदा होगा, 110 में खरीदा होगा ना भाई, 100 रुपए में ए ने खरीदा था, ए इसमें 10% बढ़ोतरी करके बी को बेच रहा है, 10% की बढ़ोतरी कर रहा है, 10% की, और 10% इसका 10 ही होता है, तो ए ने कितने में बेचा, 110 में, इतना समझ में आया। अब कह रहा है कि जो बी बेच रहा है वो 10% लॉस में बेच रहा है, किसको, सी को, यहां पर 10% का लॉस है। अब ये जो लॉस निकालूंगी मैं इसके ऊपर निकालूंगी, तो 10 का 100 निकालूंगी, 110, तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, और 110 में से जब मैं 11 माइनस करूंगी तो ये आ जाता है 99, यानी कि सी को इसने कितने में बेचा है, 99 में बेचा है। इतना यहां तक समझ में आया, क्योंकि मेरा क्या है बेस, अब 10 है। फिर से समझाती हूँ, कह रहा है ए जो है वो 10% पर बेचता है बी को, तो ए ने अगर 100 में खरीदा तो ये 10% अपना यहां पर लगा करके इसको बेचेगा। अब ये जो 110 है वो ए के लिए तो SP हो गया, लेकिन बी के लिए तो ये CP हो गया, क्योंकि उसने पैसे दिए इतने, तो ये उसके लिए कितना हो गया, क्रय मूल्य हो गया 110 बी का। अब बी जो है इस 110 में 10% की हानि करके बेच रहा है सी को, तो
तो इसका 10% मैं यहीं से तो निकाल लूंगी, तो इसका 10% मेरा कितना आता है, 11 आता है, और 11 इसमें से माइनस करूंगी तो ये जो 99 है वो इसके लिए तो हो जाएगा एसपी, लेकिन सी के लिए कितना हो जाएगा, सी के लिए हो जाएगा सीपी, क्योंकि इसने पैसे दिए इतने 99। अब कह रहा है कि अगर सी 990 रुपए में इसे पेड करता है, मतलब 990 रुपए अगर टोटल देता है तो फिर अमाउंट पेड बाय ए, अब कुछ नहीं करना, सिंपली देखो ये 99% है, यहाँ पर ये सारी परसेंट में चल रही थी, 99% है, अमाउंट कितना पे कर रहा है सी 990, लेकिन दे कितना रहा है यूनिट 99, और 100 मुझे निकालना है ए का, तो ये निकल जाएगा कितना आ जाएगा 1000 रुपए। तो ए ने कितना पे किया था, ए ने पे किया था 1000 रुपए, ठीक है, आपको बस इस चीज को ध्यान में रखना है, इस चीज को। तो ये 10% अगर इस पे लगाया तो ये जो -10 है वो इस पे लगाएंगे, 99 आ जाएगा, यहाँ से 990 रुपए है, यहाँ से डिवाइड बाई करेंगे क्योंकि सी ने इतने रुपए पे किए हैं, और इन 200 में मेरा इसका ए का निकल जाएगा, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, 1000 रुपए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जितने ईजी ये क्वेश्चन है ना इतने ही आपसे पूछे जाएंगे। हाँ मैं बिल्कुल ये कहती हूँ कि सबका बैकग्राउंड मैथ्स नहीं होता है, सबको अच्छा नहीं लगता है, बट वो अच्छा लगने लग जाता है जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, विच नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 2:5। देखो 2/5, ये कह रहा है इसके अंदर मैं ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं, लेट सी मैं x ऐड कर रही हूं, और फिर ऐड करने के बाद ये नंबर क्या बन जा रहा है, 5/6 बन जा रहा है। अब क्या आप इसे सोल्व नहीं कर सकते हो, हम इसे सोल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2+x मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, 5+x मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, इसको आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ सॉल्व करना है, और आपका आंसर तैयार है, ठीक है। इस x को इधर ले आओ, x आ जाएगा, और ये 13, तो x कितना आ गया 13, यानी कि मैं कौन सा नंबर ऐड करूं 2:5 में, कि मैं अगर 13 ऐड करूं, यहां पर भी 13 यहां पर भी 13, तो मेरा रेशियो क्या निकल के आता है, 5:6 निकल के आता है, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चंस थे जो हमने पीजीटी के करे हैं 2021 के, तो आप हमेशा ये चीज मान के चलो कि जरूरी नहीं है कि पीआरटी है तो आपसे बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके अगर आपने सीक्वेंस देखी है, अगर आप वीडियोस कंटिन्यू देख रहे हो तो सबके बराबर सीरीज में क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस पर व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, सभी प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इंग्लिश के लिए के जो पर्टिकुलर मैं आपको नोट्स देने वाली हूँ, इंग्लिश की क्लासेस में यहां पर नहीं लेने वाली हूं, ठीक है, बिकॉज इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आई होप गेस आपको ये चीजें समझ में आ रही तो इसको जरूर लाइक करिए, शेयर करिए सभी के साथ, सभी ग्रुप्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।